हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है मंडे, 21 तारीख है आज, और मंडे है। तो मंडे को मैं 12 बजे अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ सबसे पहले कि हमारा बन रहा है रोड, न्यू रोड बन रहा है। तो वैसे गर्मी बहुत होगी, अभी अभी रोड डल रहा है तो 12 बजे बहुत ज़्यादा धूप होती है। बट मैं आपको फिर भी थोड़ा सा दिखा देती हूँ, फिर अंदर ही रहते हैं। अभी मैं बाहर चलती हूँ, पहले आपको रोड ही दिखा देती हूँ, साथ में मैं खुद भी देख लेती हूँ कितना बना। काफ़ी बन चुके हैं वो, देखो यहाँ पे वो लुक के डब्बे रखे हुए हैं बड़े बड़े, उधर तक रोड बन रहा है। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, 2 मिनट। धूप बहुत ज़्यादा है वो, वहाँ पे रोड थोड़ा सा बना है अभी, यहाँ से आगे तक बन रहा है, अभी आगे भी लगा हुआ है काम। सो अभी हम चलते हैं अंदर को, हम अंदर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है। सो गाइस, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक भी किया करो और कमेंट करके बताया करो कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। तो अभी हम चलते हैं मम्मी के पास। तो मेरी मम्मी गूंथ रही हैं आटा, लाइट का क्या हो रहा है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा। मम्मी आटा गूंथ रही है, मैं ऐसे यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे अभी भूख लगी है, अभी मैंने बहुत सारा काम किया है। अरे अभी हमने काम किया है ना, जो भी पुराने कपड़े थे, पुराने नहीं, जो भी सर्दियों वाले कपड़े हैं, बहुत सारे हमने पैक करके रख दिए हैं और गर्मियों वाले निकाल लिए हैं। गर्मियों वाले वैसे हम रखते नहीं हैं क्योंकि गर्मी वाले काम आते हैं सर्दियों में भी। आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी कम। और अभी हमने क्या करना, अभी हमने जो क्यूल्ट होती है ना, वो भी सभी को पता है ना क्यूल्ट होती है, जैसे किसी को पता नहीं हो। और जो भी क्यूल्ट है वो हमने उनके मतलब उनको धो दिया, क्यूल्ट को नहीं दिया, क्यूल्ट कवर को धो दिया, और उसको अभी हम रख देंगे। तो उनको रखना है, अभी हमने टाय वगैरह करके रखा है उनको, उनको हम रख देंगे, अभी वो भी काम है। और भी हमें जो कपड़े वगैरह अभी धोने वाले हैं वो करने हैं, फिर उनको सभी को पैक करके रख देना है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है, अब सर्दी वाले कपड़े देखने का मन नहीं करता हमारा। और अब मैं आपको मम्मी के दर्शन करवा देती हूँ। अभी हम चलते हैं अंदर को क्योंकि हाँ खा लेते हैं, अभी हम चलते हैं अंदर। और हाँ, मैंने आपके साथ बहुत जल्द मतलब अपना होम टूर शेयर करना है, बट अभी सेटिंग नहीं हो रही, सेटिंग करते हैं, उसके बाद कोई और काम आ जाता है, कोई और काम मतलब याद आ जाता है और सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है, तो उस वजह से होम टूर नहीं हो पा रहा। अब मैं अपना फ्रूट काटा हुआ तो वो खा लेते हैं, तो यार स्पून नहीं मिला, नीचे मिला, चलो मिल गया, थोड़ा वॉश कर लेते हैं, धूल वगैरह तो पड़ी हुई है, धूल बहुत है यार हमारे गले पे, इतनी ज़्यादा धूल है, बाहर गली में लगा काम और इतनी ज़्यादा धूल है, मतलब क्या बताएं आपको। तो ये अमरूद काटा था, ये अमरूद, अमरूद खा के बीज बहुत ज़्यादा सख्त है इसके, वाह। स्ट्रॉबेरी भी है, इसको खाते हैं, खट्टी खट्टी मीठी मीठी। पहले मैं हम ना अपने घर पे लगाते थे, मतलब घर पे स्ट्रॉबेरी के मतलब छोटे छोटे पेड़ थे, पेड़ नहीं थे, छोटे छोटे वो थे बेल टाइप होते हैं इनके, छोटे छोटे बूटे होते हैं एक ही जगह, बेलें सी होती हैं वैसे ही, वो हमने लगाए थे और घर की स्ट्रॉबेरी खाते थे। और मेरी और सौरभ की इतनी लड़ाई लगती थी, हम कच्ची उतार के खा लेते थे, बहुत सही लगती हैं। एक खाते हैं और भी अमरूद ही खाते हैं क्योंकि ये काटा हुआ पड़ा है, फिर ख़राब हो जाएगा, आपका भी मन कर रहा होगा अमरूद खाने का। मैं अब आपको दिखा के नहीं खाऊंगी, खा लेती हूँ पहले फिर ब्लॉग बनाती हूँ। कभी कभी इतनी कम आवाज़ आती है
और जब फिर मैं एडिट करने वाली होती ना, फिर मुझे वो क्लिप्स काटनी पड़ती हैं कई बार। वॉइस ओवर मैं बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, मेरा माइक ही नहीं मिलता कभी कभी इतना, मतलब कभी कहीं रख देती हूँ। अब मैंने वैसे संभाल के रखा हुआ है तो दाने भर गया, तो माइक मिलता नहीं है। माइक मिल भी जाए पर जो मन नहीं करता मतलब वॉइस ओवर करने का, भाई मैंने कुछ और बोला तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। बट ज़्यादा कम आवाज़ आई होती है कहीं पे, बाहर वगैरह शूट करो, तो अगर अंदर करना फिर भी कई बार मैं धीरे बोलती हूँ क्योंकि बाकी बार अपने काम लगे होते हैं, ये बोल सब बोलते हैं, ऐसे बोलती रहती है तो बाकी बार डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार। तो अब तो वैसे पारस भी घर पे नहीं है, कई बार वो पढ़ रहा होता है तो तब वो डिस्टर्ब होता है, और मैं वैसे अकेली बोर होती रहती हूँ। वैसे काम बहुत है तो काम में बंदा बिजी रहता है, अभी काम बहुत था। अभी 2 दिन से ना रेस्ट मिल रही है थोड़ी सी, उनकी हमने सेटिंग कर थी और आज हमने फिर से पूरा ऐसे खलारा डाल दिया है, कपड़े कपड़े सेट कर रहे हैं सारे, अलमीरा से कपड़े बाहर निकाल दिए इस वजह से। तो अभी आपको मैं खलारा दिखा देती हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये खलारा डालो। अब मैंने यहाँ से सारा उठा लिया, आधा मैंने पेटी में डाल दिया, तो इतना खलारा डाला है। वो हमारा छोटा सा पूजा रूम है, मुझे ना कमेंट करके बताना कि आपको मेरा होम टूर कब चाहिए, और जल्दी दूँ कि थोड़ा लेट दूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपको होम टूर देखना है ना मेरा, तो फिर मैं बनाती हूँ वीडियो अच्छा सा, पर पहले सेटिंग करूँगी अच्छे से, पूरा सामान फिर ही अच्छा लगेगा, अच्छे से सफाई हो, फिर होम टूर करने में मज़ा भी आता है। सो मैं करूँगी जल्दी से होम टूर। तो अभी के लिए अभी हमने क्या करना है, होम टूर करूँगी तो अभी हम सो अभी मैं कपड़े वगैरह सेट करने लगी हूँ, तो आपसे बाद में मिलती हूँ गाइस। अभी मैंने खाना खा लिया था, अभी कंघी करनी है बाद में। और यहाँ पे नहीं, हाँ यहाँ पे पीछे जो हमारा बशु था वो हमने हम छोड़ आए हैं उसको, मतलब कहीं पे भेज दिया उसको, तो अभी हम चलते हैं, अभी चलते हैं। अभी हम पार्क को पानी दिया था, आपको दिखाती हूँ अभी। मतलब ये धीरे धीरे ना हरा हो रहा है, इसको धूप लग गई थी, वैसे पहले हमने कटिंग वगैरह की थी ना तो उस वजह से सूख गया था, काफ़ी काम से काम लगा था इस पर, ईंटें वगैरह पड़ी थी। बट अब भी अच्छा हो रहा है धीरे धीरे, जैसे हम उसको पानी लगा रहे हैं तो अच्छा हो रहा है, ये मतलब अच्छे से हो जाएगा। हाँ तो यहाँ पे ये है वाइट फ्लावर का, इसमें लगते हैं वाइट वाले, इसमें लगते हैं ऑरेंज। ये पानी देंगे तो फिर शायद हो जाए। तो ये वाला पेड़ काफ़ी अच्छा है, बहुत सुंदर है ये वाला, और वो वाला तो सूख ही गया यार, वो ठीक है अभी बट पता नहीं। मम्मी सो रहे हैं यहाँ पे, अभी मैं जा रही हूँ अंदर, तो अभी हमने सामान सेट करना। मम्मी चलो फिर करें सेटिंग, करते हैं करते हैं सेटिंग करते हैं। हाँ बाथरूम का दरवाज़ा खुला रह गया, उसको बंद कर देते हैं, चलते हैं अभी, धूप बड़ी है। बट बाहर ना वहाँ पे छाँव है और इतनी सही हवा चल रही है, बाहर ज़्यादा मज़ा आ रहा है, बट हमें अंदर काम है ना, फिर हमें अंदर ही आना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या करना है, वही जो मैं आपको बता रही थी क्विल्ट, तो वो अभी हमें डालनी है पेटी में। तो दिखा देती हूँ अपना स्टोर भी, यह स्टोर यह है पेटी, तो इसमें डालेंगे अपना जो भी कपड़े होंगे फालतू के। मैं आपको गाइस अभी हमारी चल रही है रिफ्रेशमेंट, तो गाइस अभी हमारी चल रही है इवनिंग रिफ्रेशमेंट, चल रही है साथ में 100 रुपये बैठा है, अभी उसकी शक्ल अच्छी नहीं आ रही, वो फैट बैठ गया। फन पाव खा लिया, एक टेढ़ा मेढा भी खा लिया जोर से। अभी मैड एंगल की बारी है, मम्मी है पूरा ये वो रानी ने अपने लग के मुंह पकया ते चुप्पी सारे ले। सो गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, सोरो सिर्फ खाता है काम नहीं करता, इसमें से गिफ्ट निकला है केवल तेरा मुंह और नहीं बोलना, मैं रात ही खाना गई जी, सारी चीजें लाता है फिर खुद ही खा जाता है होती मेरी। और अभी से ना
सारी स्ट्रॉबेरी कुछ खा ली। अरे सारी ककड़ियाँ नीचे गिर गई यार। वो हमने मतलब ओह शिट वहाँ पे ना ड्रिल चलाई ना, उसकी वजह से मतलब वाइब्रेट हुआ ना, तो ये सारी गिरी जा रही हैं अपने आप। पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं। अब इनको हमने पाली डाल दिया, पाली डाल के खाने में मज़ा नहीं आता। जो अपने आप पकती है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अभी अपना फ़ोन नहीं उठा रहे, पलक के मम्मा बोल रही छत से, उनको आवाज़ देती हूँ, मम्मी बुला रहे हैं उनको। बिल्ली देखो कैसे देख रही है इसको, वो करती हूँ कैसे देख रही है घूर घूर के। बिल्ली बाटी बाटी, चलो बोल लिया हमने, फोटो लेते हैं, फोटो अच्छा आ रहा है। वो देखो सोनिया, सोनिया जा रही है ऊपर बड़ी सी जगह। मैं भी जाती थी पहले पहले वहाँ पे, जब मतलब पहले जब कच्चे घर थे ना, कच्चे नहीं थे घर, जब फर्श नहीं डाल देते थे तो मिट्टी लगाते थे, बेड़े मिट्टी लगाते थे, तो फिर वो मिट्टी लेने जाते थे हम। वो सोनिया वही लेने जा रही है, उन्होंने अपने बेड़े में लगानी होगी ना। बड़ा मज़ा आता था, हम तो वैसे छोटे छोटे थे, तो मैं पतीला लेके जाती थी छोटा सा, वो भी मेरे से गिर जाता था रास्ते में ही, और फिर ऐसे ही खाली ले आती थी घर पे। वैसे जाती थी मम्मी के साथ मैं, पहाड़ी थोड़ी छोटी सी पहाड़ी होती है वहाँ से बंदा लेके आता है। और वो हमारे पीछे खेत है, वो हमने उनको किसी को मतलब अपना इस्टाला दे दिया है। वो आंटी घूम रहे हैं, वो काट रहे हैं इस्टाला। तो चलो चलते हैं वापस। मम्मी बोली तो भाभी भाभी आखे पहले 10 मिनट चाहनी हूँ, 10 मिनट बाद वहाँ उधर के खेतर। सो गाइज मैं आपको अंगूर की बेल दिखाती हूँ, वो मैंने लगाई थी। बिल्ली इधर भी आ गई मेरे पीछे। वाओ आपको अंगूर, ये है हमारे अंगूर की बेल। एक तो हमारे वो मतलब बेड़े, तो ये है ये पिछली मैंने लगाई थी यार, कितनी सही ये अंगूर के गुच्छे लगे हैं इसमें, देख कर इतना इतनी खुशी हो रही है। वाह यार लगाई थी छोटी, इतनी सी लगाई होगी टहनी, इतनी बड़ी बेल होगी और अंगूर भी लग गए। वाह ये तो बड़ी खुशी की बात है। ये भी पेड़ मैंने लगाया है, बट इसको ये मेरे से ही बड़ा हो गया, पेड़ लगाया और ये मेरे से ही बड़ा हो गया, और इसको अभी तक लगाट नहीं लगी यार। लगाट का पेड़ है, अगले साल लगेंगे, फिर मैं खाऊंगी पक्का। मम्मी पानी दे रहे हैं बूटे को, आलू बुखारे के बूटे को, सारे बूटों को शाम को मम्मी पानी देते हैं। इसको भी दिया, इसको भी दिया, इधर जितनी भी सब्जियां लगाई उनको दिया, इनको दिया। तो ये है यहाँ से रास्ता, मैं इसके ऊपर ऊपर चढ़ती हूँ क्योंकि हमने साइड साइड पे ना ये पेड़ लगाए हुए हैं। ये पता नहीं इसके शायद की है, हाँ की होंगे, ज़्यादा ज़्यादा लगाए हैं ना, तो यहाँ से एक एक उठा के फिर अलग अलग इनको लगा देना। ये सारी किए की बेलें, तो ये भी कुछ पौधे लगाए थे, कुछ ख़राब हो गए हैं, मेरे पापा ऐसे लगाते रहते हैं कि कोई ऐसे ज़्यादा लगा दो, एक दो तो बच ही जाएगा। ये रास्ता मेरे इधर से आते हैं, इधर से जाते हैं। ये संतरे का बूटा है, और वाह यार इस इतना सा बूटा है देखो, और कितने ज़्यादा संतरे लगे हैं इसको। और ये भी है घर पे, और मेरी दादी ने इतने सारे मटर खोद दिए हैं। अभी हम सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। तो मैक्सिमम लोग मुझे बोलते हैं कि आप एंड नहीं करते हो ब्लॉग का, एटलीस्ट एंड तो कर दिया करो। तो आज मैं एंड कर रही हूँ कि मैं आज के ब्लॉग को एंड कर मुझे बोले हैं। तो आज मैं बता रही हूँ कि इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपके साथ एक नया ब्लॉग लेके। और आज मतलब अब मैं सारे ब्लॉग में ना डेट बताया करूँगी, और वही डे बताया करूँगी, डे और डेट दोनों बताया करूँगी, उससे पता चल जाता है कि कौन सी डेट को और कौन से डे को ये व्लॉग बना है। और ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे बंदा लिखना भी उधर, तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। बट अब मैं थोड़ी डेली किया करूँगी,
पहले थोड़ा सा बिजी थी, अब थोड़ा सा काम हो गया, सेट हो गया थोड़ा बहुत, तो अब तो कोशिश किया करूँगी रोज़ नाऊँ, और आप भी मेरे साथ मेरे ब्लॉग देखते रहिए। तो बाय बाय।